नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप शाम को आ जाइएगा। मजा आ गया शाम को। हाँ Excuse me, डेविड मिश्रा आपके ही चाचा जी हैं? हाँ हैं। आप कौन मैडम? कई चाचा जी ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली भाभी जी? नहीं नहीं हमसे शादी वादी नहीं किए हैं, वो तो हमारा नाच देखने आते हैं हमारे घर। क्या समस्या ये है ना कि वो उधारी में डांस देख के जाते हैं, आज तक एक रुपए नहीं दिए। फिर हम सोचे कहीं हम उल्लू तो नहीं बन रहे, तो हमें आपके बारे में पता चला तो हम आपके पास चले आए। आप मुझसे पैसे वसूलने आ गई? तो क्या करते, आप उनके रिश्तेदार हैं ना, तो आपके पास ही आएंगे। कितने हुए आपके? 15,000 रुपए। 15,000? आप शाम को आके लेके जाइएगा। ओके। ये रहा डेविड मिश्रा के पान का बिल, 5,000 रुपया। शाम को आ जाना। प्रणाम। प्रणाम आई माँ, प्रणाम। हाँ खुश रहिए हमरे बिटुआ। हाय दिया, ये एम्बुलेंस आप चला रहे थे? जी हाँ भाई माँ, मैं ही चला रहा था। ये सब क्या सक्सेना जी, किसने पकड़ा दिया आपके हाथ में ये एम्बुलेंस? किसी ने पकड़ा ही नहीं है भैया, मैंने ये एम्बुलेंस खरीदी है, किसी ने दान में नहीं दी। खरीदी है? जी। क्यों खरीदी है? आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है भैया हैं? अरे एम्बुलेंस कोई क्यों खरीदता है, एम्बुलेंस होती है मरीजों को ढोने के लिए, इसमें मैं सब्जियां तो ढोऊंगा नहीं, है ना? That's nice, that's really nice, that's great, भाभी जी। अच्छा काम किया उन्होंने नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत ही गर्व का बात है ये सक्सेना जी। ये बताइए कि और क्या खासियत है इसमें? भैया मेरी एम्बुलेंस में बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी खासियत तो यह है भैया कि इस एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं सारी की सारी अवेलेबल है, सब मौजूद है, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी खासियत यह है भैया कि ये जब चलती है ना भैया, मक्खन की तरह स्मूथ चलती है, यानी कि ग्लास में रखा हुआ पानी भी गिरता नहीं है भैया जब ये चलती है, इसलिए एक तरह से मेरी एम्बुलेंस को आप स्मूदी एम्बुलेंस कह सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका मतलब युवा कि इसमें मरीज लोग बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं? अरे भैया मरीज लोग तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब कोई मरीज मेरी एम्बुलेंस में बैठता है ना भैया, हाँ। तो उसको लगता ही नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, उसको ये लगता है कि वो किसी प्लेन में बैठा हुआ है। भैया आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मौका दीजिए सेवा का, आप ना बुरी तरह से बीमार पड़ जाइए और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाइए, उसके बाद मेरी एम्बुलेंस में आइए, आपको मजा आ जाएगा भैया, ट्रस्ट मी। देख रहा है ऐसे, आदमी नहीं देखा क्या कभी? आप ऐसा नहीं देखा? क्या कहा तुमने? अच्छा अच्छा एक कहानी याद आ रही, सुनाऊं क्या? एक मिनट यार, अप टू बॉटम उड़ा दे। अरे यार तूने उड़ा दी, मेरा रहेगा, चल तू कहानी सुना, मैं धीरे धीरे पीऊंगा। जंगल में एक गिलहरी रहती थी और गिलहरा, उन दोनों में बड़ा प्यार था, they were madly in love। गिलहरी जो थी बड़ी हार्ड वर्किंग थी, गिलहरा एक नंबर का कामचोर नल्ला था। गिलहरी जो कमाती थी वो उससे वो अपना और इस गिलहरे का पेट भरती थी। That's right। फिर अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। What? Yeah। कैसा तूफान? जो गिलहरी थी उसका जो गिलहरा था ना, उसका चाचा भालू आ गया। Oh my God। एक नंबर का अय्याश और ओवाश आदमी था वो। जंगल की जितनी भी फीमेल प्रजाति थी उसे कतराती थी, बिकॉज ही वाज अ ऑफेंडर, एक नंबर का ईव टीजर था। आई नो। क्या बात है, बड़ी किस्से कहानियां चल रही हैं। बड़ा सुना रहा है यार, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है। सुन तू भी सुन। हाँ तो कहा था मैं, हाँ सुना रहा था, जो गिलहरे का जो चाचा था भालू। एक मिनट, ये गिलहरे का चचा भालू कैसे हो सकता है वाला बताइए? अगर भालू हो जाएगा तो कौन सी लंदन की सरकार पलट जाएगी यार, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि कहानियां जो है ना मनोरंजन के लिए होती हैं, वो सामने वाली पार्टी को बेवकूफ नहीं बना सकता, लॉजिक होना चाहिए ना।
कि गिलहरी का चचा गिलहरे का चचा, हाँ भालू कैसे हो सकता है? बताइए, क्या गिलहरी की दादी ने भालू को गोद लिया था, ऐसा कुछ था? या फिर गिलहरा की दादी के किसी भालू के साथ नाजायज संबंध? या फिर भालू की मम्मी के किसी गिलहरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप टाइप का कुछ था? क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी जो है वो भालू की जगह गिलहरा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ना गिलहरा होगा ना भालू, वो भुलेरा होगा। हमरे डैडू सच्ची, हमरे दिल करता है कि हम सारा जिंदगी बस आपका ऐसे ही पाँव दबाते रहें। हमको ना बड़े बुजुर्गों का सेवा करने में बहुत आनंद आता है। हाँ अंगूरी का डैडू के भैया सो जाइए चुपचाप, हम डैडू का पैर दबा रहे हैं। अरे डैडू आए हैं पगली, तूने हमें बताया? प्रणाम डैडू। टीका मजाक है, ये डैडू है? ओ डैडू तो तीरथ पर गए ना बैंकॉक। तो क्या हुआ? जब डैडू तीरथ पर गए हैं बैंकॉक, तो तुम ही क्या कर रही हो? तकिए को डैडू बनाकर उसके पांव दबा रही हो? क्या बताएं आपको, हमरे अंदर ना अचानक से पितृ प्रेम जाग गया है लड्डू के भैया, और बहुत ही तगड़ा वाला पितृ प्रेम। हमरा मन कर रहा है कि हम अपने डैडू का बहुत ही सेवा करें इसके लिए। अरे तो डैडू की सेवा करने के लिए डैडू का होना भी तो जरूरी है, लेकिन वो तो बैंकॉक गए हैं तीरथ पे। अब ये तो इसके लिए उनका मम्मी बनाकर सेवा कर रहे हैं। मम्मी नहीं, मुर्दा काय बना रही हो डैडू को? वो डमी होता, डमी। ऐसा ही पकड़े हैं, इसके लिए उनका छवि बनाकर हम उनका सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा करनी है तो हमारी सेवा करो ना, हम थके हुए हैं, हमारे पाँव में एकदम हड़कल मचा हुआ है। सारी उका है ना कि हमरा पितृ प्रेम जागा है, पति प्रेम नाही। तो आप एक काम कीजिए, सो जाइए, हैव अ नीच ड्रम। नाइस ड्रीम होता पगली। हंसे पकड़े हैं, सोने दो। अरे भाई मां चैनल पर खुश रहिए सक्सेना जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई मां। मैंने ना एक मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ चलने वाली स्मूदी एम्बुलेंस लिए भाई मां, लोगों की सेवा करने के लिए। भाई मां मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से पब्लिक की सेवा करता रहूं। सक्सेना जी मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप ऐसे ही पब्लिक की सेवा करते रहिए, पर ध्यान रखिएगा ये जरा सेंसिटिव मामला है, आपकी एक पागलपंती से ना किसी इंसान की जान भी जा सकती है। भाई मां आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी मरीज को नुकसान होने नहीं दूंगा भाई मां। और जहां तक पागलपंती का सवाल है तो लोगों को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। क्यों भाई मां आप थोड़ी उदास सी लग रही हैं मुझे। हाँ सक्सेना जी मेरी तो नसीब में ही उदासी है। भाई मां आपका ये टाइगर बेटा अभी जिंदा है, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। और कैसी बातें करूं सक्सेना जी, मैं अकेली कमाने वाली और बाकी सब खाने वाले, ऊपर से चाचा जी ने इतना उधार ले रखा है कि मुझे लगता है उनको चुकाते चुकाते ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। भाई मां आप चाहती क्या हैं? मैंने विभू को बोल रखा है कि अपने चाचा जी को कहीं और भेज दे, और भी तो रिश्तेदार हैं ना उनके, लेकिन एक विभू है उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। डोंट वरी भाई मां, यू जस्ट डोंट वरी, मैं अभी दादा डेविड को घर से बाहर फेंकवाता हूँ, डोंट वरी। जा रहे हैं। ले ले तेरी हर ले लो। अब गाय भगा दिए उनको, हम अपने डैडू के लिए फ्रूट ले रहे थे ना। तुम जाओ अंदर। जाइए अब, जब बात ही नहीं करेंगे अब। साला परेशान करके रख दिया। तिवारी भैया। हाँ। अरे चाहो गए कुछ परेशान से? क्या बताए, बस हंगूरी का दिमाग कुछ फिर सा गया है। क्या दिमाग फिर से गया? मतलब समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं आप। कहा है कि उसके डैडू जो है वो अय्याशी करने बैंकॉक गए हैं,
और ये बता के गए हैं कि वो किसी शुभ कार्य हेतु जा रहे हैं। एक बात कहें तिवारी भैया, का जो आपके ससुर जी है ना, बहुत बड़े वाले हैं। अरे बड़े वाले, बहुत ज्यादा बड़े वाले हैं। और अंगूरी अचानक से पता नहीं कि उनके याद कर करके उनके गुणगान कर रही है। अच्छा, इसका मतलब भाभी जी के अंदर जो इमोशंस हैं वो डिसबैलेंस हो गए। क्या कुछ समझे नहीं? मतलब क्या है ना भैया, अंगूरी भाभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, और ऐसे इमोशनल लोगों पे इस तरह के अटैक गिरते रहते हैं। एक बार तो मेरे फूफा जी को भी ऐसे ही अटैक आया था। रात को 3-3 बजे मुझे फोन करके रोने लगते थे और बोलते थे, लंबू लंबू, हाँ मेरे घर का नाम है, बोलते थे तेरी बहुत याद आ रही है। अब उनकी बात सुन के मैं भी रोने लगता था। दरअसल मेरे फूफा जी जो है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है बरेली में। 3 शादियां की हैं, पहली बीवी से उनके 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से उनके 4 बच्चे। एक मिनट यार, हम आपके फूफा जी को थीसिस लिखने नहीं जा रहे, इतना डिटेल में जा रहे हैं। आप तो हमारी परेशानी को हल कीजिए। अंगूरी की तबीयत ठीक नहीं है, दिन रात बस डैडू 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 करती रहती है। हाय डियर डैडू, डैडू हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमको आपको बहुत याद आ रहा है। डैडू डैडू, हमको आपका चेहरा हर जगह दिख रहा है, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। सुना आपने? हाँ भैया सुना, केस काफी सीरियस है, भाभी जी को डैडिया हुआ है। डैडिया? हाँ, जैसे पीलिया होता है वैसे डैडिया होता है। इसमें के क्या होता है? यही होता है जो अभी आपने देखा, अपने डैडी की याद करेंगी, रोएंगी, जो अभी कर रही थी। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज यही है कि उनके डैडी को बुला दीजिए। अरे वो तो बैंकॉक गए हैं ना। हाँ तो फिर एक काम करिए आप, हाँ, डैडी की उम्र के किसी बुजुर्ग को बुला दीजिए भाभी जी के पास। तो क्या रहेगा ना, भाभी जी उसे अपना पिता मान के उसकी जम के सेवा करेंगी, और सेवा करते करते उनके जज्बात बाहर आएंगे, इसे धीरे धीरे भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अच्छा देखिए भैया, ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे जाना है किसी को मिलने। ठीक है। बुजुर्ग चाचा, आप जल्दी से किसी के साथ शादी कर लीजिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी दीवान की और ये सब पागलपनी बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी बुढ़िया का हाथ थाम के थम जाइएगा बस। ज्यादा जज्बाती मत बन। ओके। अच्छा चाचा जी, फिर मिलते हैं। ओके बहू। और चाचा। ओके चाचा। टेक केयर चाचा। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड चाचा? चाचा बताइए क्या हुआ चाच? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा हार्ट अटैक आया है। अरे कोई है? अरे भाई, अरे भाई, चार्ज को हार्ट अटैक आ गया। अरे प्लीज हेल्प। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? वहां चार्ज को हार्ट अटैक आया है। आई लाइक इट। व्हाट? अरे सक्सेना जी प्लीज, इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, हार्ट अटैक आया है। अरे डोंट वरी भाई मां, मेरे मक्खन से भी ज्यादा स्मूथी एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। उठाइए भैया, डीबी को उठाइए। डीबी को? यू मीन डेड बॉडी? अरे नहीं, डीडी, दादा डेविड, उठाइए उठाइए। आइए, लेट्स गो। विभू सुनो, मैं भी आ रही हूं। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं बेबी, यू जस्ट चिल। ओके, मैं मैनेज करूंगा, आओ लेट्स गो। ध्यान से और सुनाइए। भाभी जी, वो नारियल वाला है ना, वो जिसके यहाँ हम अक्सर सुबह सुबह नारियल पानी पीते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? तो उसके यहाँ एक पतली सी कोई मैडम भी नारियल पानी पीने आया करती थी। हाँ लेकिन हुआ क्या? हुआ ये भाभी जी की, वो दोनों एक दूसरे के साथ भग लिए। आपका कहने का मतलब है वो दोनों एक हो गए? जी आप ऐसा कह सकती है। मतलब तो ऐसे कहिए ना, भगली भगली क्या भगली है? मतलब आप ऐसे किसी के प्यार के इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं माफ कीजिए, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं भाभी जी। आपने जिस तरीके से ना उन प्रेमी कपल के बारे में बात की है ना, वो इंसल्ट ही है और बहुत ही गलत बात है। चलिए ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। इट्स ओके, आइंदा से आप किसी के बारे में ऐसे मत बोलिएगा कि वो उसके साथ भगली, वो उसके साथ भग लिया। क्या बात है भाभी जी, आज आप कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ तिवारी जी, मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ, क्या भाभी जी? चाचा जी को अटैक आया है। ओहो, तो क्या टै बोल गए? कैसी बकवास कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, तो आप हमें बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? तिवारी जी, सेवा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, चाचा जी की। इतने हिस्सों में बटी हुई हूँ ना कि समझ में नहीं आ रहा है मेरा हिस्सा क्या है। घर की जिम्मेदारियां, ग्रूमिंग क्लासेस की जिम्मेदारी, चाचा जी की जिम्मेदारी, मतलब इन्हीं सब में फंसी रहती हूँ। और इस बार इतना फंस गई हूँ कि
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, चाचा जी को देखूं, उनकी सेवा करूं या ग्रूमिंग क्लासेस जाऊं। भाभी जी अगर आप कहें तो हम आपकी समस्या कुछ समय के लिए हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए भाभी जी क्या है कि अंगूरी के सर पर जो है पितृ सेवा का भूत सवार हो गया है। तो भूरे अंकल कहाँ हैं? बैंकॉक में अय्याशी कर रहे हैं। आपने कहा आप मेरी टेंशन कम कर देंगे। जी वो क्या है ना भाभी जी कि चचा जी को इस समय सेवा की जरूरत है और जैसा कि मैंने कहा कि अंगूरी के सर पर जो है वो बुजुर्गों की सेवा का भूत सवार है, तो हम चचा जी को कुछ समय के लिए अपने यहाँ ले आएंगे। अंगूरी जो है चाचा जी की सेवा करेगी, इससे आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। वाव तिवारी जी, मतलब आप चाचा जी को अपने घर लेके चले जाएंगे। मतलब थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भाभी ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके किसी काम आ रहे हैं। थैंक यू तिवारी जी। आप एक काम करिएगा, आप हॉस्पिटल से चाचा जी को डायरेक्टली अपने घर लेके चले जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे हम लोग साथ में कॉफी पीते हैं। अरे वाह भाभी जी, यस जी। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सच बताऊं वैभव, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं इस समय ना कितना कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कोई बोझ ही नहीं है। बोझ तो पहले भी नहीं था तुम्हारी लाइफ में कभी। अगर तुम चार्ज को बोझ समझती हो तो मैं तुम्हारी बात से और तुम्हारे ख्यालात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं चाचा जी को बोझ नहीं कह रही, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ की बात कर रही हूँ। तुम्हारा खुश रहना बहुत जरूरी है। तुम खुश हो ना बेबू? तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेबू, कैसी लग रही हूँ मैं? नकचड़ी। अगर तुम्हारे बगल में कोई नकचड़ी और खूबसूरत औरत खड़ी हो जाए ना, तो तुम्हें देख के उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बहुत ही अजीब सी तारीफ थी ये, लेकिन ठीक है, थैंक यू। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम शेरो शायरी में मेरी तारीफ करो। ये भी करना पड़ेगा। कनका मैं याद कर रहा हूँ क्या। हाँ अच्छा शेर याद आया। संग मरमर सा तराशा ये शफाक बदन, हुस्न की चाशनी में डुबोया हुआ याग बदन, जिस्म छूना नहीं मर जाओगे खाली पीली, जिस्म घर छू लिया तो तुम्हें राख कर देगा ये बदन। वाह विभु वाह, कुछ तो बात होती है तुम्हारी शायरी में। सॉरी अनु, ये शेर तो हमने भाभी जी के लिए लिखा था, लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए ये शेर हमें तुम पे चिपकाना पड़ा। देखो ना प्लीज, किसका फोन है? तुम्हारा फोन उठाओ ना यार। देखो ना बेबू, इतने हाथ बिजी है फोन उठा सकते? तिवारी जी का फोन। देखो क्या बात है। बोले तिवारी जी क्या बात है? बबूत जी जरा भाभी से बात कराइए। वो इस वक्त बात नहीं कर सकते, उनका मुंह बिजी है। हाय हाय, क्या क्या मुंह बिजी है? क्या क्या कर क्या रही है? वो वाइन पी रही है, कोई प्रॉब्लम है आपको? तो कर नहीं रहा हूं भाई। ऐसे चाचा जी, ओ जो आप फल खाए रहे जानबूझकर, कुछ जरूरत से ज्यादा ही ना ही खा लिए आप। अरे देख क्या है, वो साधारण फल नहीं थे, ये लौटे जो है वो ईरान और इराक के फ्रूट्स लाए थे, पता है तुझे? हाँ खा लिए तो मैंने क्या बुरा किया? देख उसमें बगदादी अनार था, बगदादी अमरूद था, बगदादी ड्रैगन फ्रूट था। लेकिन क्या फायदा हुआ, बगदादी खा के आप बगदादी हो गए। खैर ऐसा है, अब अपने चाचा को संभालिए, हम चले सोने, धोते रहिए रात भर। सुनिए चाचा जी, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लाते हैं। हाँ लेके आ जा, दूध बना 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 बना। चा, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब बीमारी खुद मोल ले रहे हैं? अरे अच्छा है ना यार, कम से कम इस बहाने बहू के प्रकोप से तो बचा रहूंगा। आप क्या बोले? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना। दरअसल आज सुबह चाचा जी ने हमें पीठ की सीमाएं लांघकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया, और हम
उस क्षेत्र में प्रवेश कर भी गए। भाभी जी, अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप चाचा जी को अपने घर बुला लीजिए, क्योंकि हम और अंगूरी उनकी बहुत सेवा कर चुके हैं। अरे तिवारी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा और एडजस्ट करिए ना। भाभी, कोई और आदमी होता तो एडजस्ट कर लेते, लेकिन चाचा जी के साथ नहीं। Why? Is it so difficult to handle चाचा जी? भाभी जी, हम छुट्टे सांड को काबू में कर सकते हैं, लेकिन अपने चाचा जी जैसे भालू को काबू में करना नामुमकिन है। तिवारी जी, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि चाचा जी बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत खराब है। उनकी हरकतें देखकर ऐसा कतई नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत खराब है। तिवारी जी, जो आदमी दर्द से गुजरता है ना, उसे ही पता चलता है। आपको क्या पता कि चाचा जी किस पेन में है? भाभी जी, हमें नहीं लगता वो किसी भी तरह के पेन में है। ओके, फाइन फाइन, थैंक यू सो मच तिवारी जी कि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। नहीं नहीं, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप ऐसी बातें कर रहे हो तो मैं कैसी बातें करूंगी तिवारी जी। माफी चाहेंगे अगर हमने आपको हर्ट किया भाभी, लेकिन चाचा जी ने हमें बहुत हर्ट कर दिया है, इसलिए मजबूरी में हम आपके पास आए हैं भाभी जी। ठीक है, चलते चलते ले आइए उन्हें अपने घर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो। अरे भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते, आ रही है? खुश रहिए आराम से। अबे ओए, हमें नहीं चाहिए फ्रूट व्रूट, पिछली बार मेरे रस्ते लग गए थे। हाँ, वैसे धेतु जी ठीक बोल रहे हैं। आपको पता है, हमको तो लगा कि वो गुसल खाने में ही बिस्तर लगा लेंगे। हाँ चाचा, ऐसी क्या घटना घट गई आपके साथ? पर नाले बह गए थे। पर नाले? ये तो गारंटी वाले फले रहे, पर नाले किसी और कारण से भयेंगे आपके। अरे चाचा, टीका बिल्कुल ठीक कह रही है जी, ऐसे वैसे फल ना है, विदेशी फल है विदेशी। अबे ये बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि विदेशी फल है? अरे चाचा, कैसी बातें कर रहा हूँ, जे देखो नाइजीरिया का क्या लिखा ना, मेड इन नाइजीरिया दिख रही है। अबे ये क्या फैक्ट्रियों में बनते हैं क्या जो इस पे लिखा है मेड इन? अरे चाचा जी, जहाँ पे ऊपर जो चिट लगी है थी ना, वो ओरिजिनल वाली फट गई थी, तो हमने कहा कि हाथन से चिपका दो जामे। चाचा बिल्कुल ताजा फ्रूट है, गारंटी वाला फ्रूट है बाबूजी, मजा आ जाए, कसम खा के रही हूँ। ले लेते हैं ना। ले ले, एक काम कर, बगदादी अनार ले ले 2 किलो, और बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो 1-1 किलो ले ले। ठीक बात, ढेचू जी को जो जो भी चाहे वो सब तोल दीजिए। भाभी जी ऐसा करो, आप पूरी टोकरी रख लो, एक भी फल अगर खराब निकला ना तो पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक बा, ई बात भी ठीक बा। तो कितने पैसे हो गए? वैसे तो भाभी जी विदेशी फल में बहुत पैसा होता है, लेकिन आप अपनी हो इसलिए सस्ते में दे रहे हैं, 1000 रुपए डिस्काउंट के बाद सिर्फ 7000 रुपए। कौन है? इस साले 7000 किस बात के बे? फ्रूट दे रहे हैं जाके लिए। 7000 के फ्रूट? हाँ कच्चे। अबे मेरा मतलब अच्छे फल हैं। अच्छे? हाँ। साले सोने चांदी के हैं क्या, जितने महंगे दे रहे हो? विदेशी फल है रहे, ये फॉरेन रिटर्न। अरे एक मिनट, ये जो है देखो क्या है कि ये दुबई, बहरी, नाइजीरिया, बगदाद, हर जगह से फ्रूट मंगवाए हैं भाई इन लोगों ने। चाचा जी आप भूल रहे हो, चाचा जी वो बगदादी फल खा के आप बगदादी हुए थे। ये लौंडे बेवकूफ बना रहे, झकरकटी से तोड़ के लाए ये फल।
सेठ जी आपका एहतराम करता हूँ क्योंकि आप भाभी जी का सुहाग हो, अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ, वो क्या है कि हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी सेठ जी। अबे चल, नहीं ले, नहीं ले, निकल पतली गली से। कुछ भी हो, मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे। हमरे ढेंचू ढेंचू इको है, छोड़िए इको कहा है ना कि ई दबा पीजिए दबा, दबा जितना कड़वा होता है ना असर उतना ही जल्दी होता है। बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं, कड़वा दबा होगा तो असर फटाफट होगा। चलिए मुंह खोलिए आइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत कड़वी है दबा, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हो रहा है पगली? देखे ना लड्डू के भैया, ढेंचू को दबा पिला रहे, पी ना ही रहे हैं। कहा चाचा जी, ठीक होना है कि नहीं होना है? मुझे लगता है ये बहु पिछले जन्म में जरूर मेरी दादी रही होगी, ऐसी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। प्रणाम चाचा जी, थांकू। अब ऐसे भी चाचा जी ना, आपके अंदर हमको हमरे डैडू नजर आ रहे हैं। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी, हेलो अनीता जी, हेलो, सुस्वागतम भाभी जी, सुस्वागतम। थैंक यू तिवारी जी। प्रणाम चाचा जी। कैसी है बहू? माँ है बहू। बहुत बहुत दुखी हूँ चाचा जी। हाय दिया, का हुआ नीता जी, आप काहे सैड हैं? मैं सैड हूँ। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूँ कि मैं कितनी बदनसीब हूँ अंगूरी जी। काहे काहे आप बदनसीब हैं? मैं इसलिए बदनसीब हूँ कि भगवान ने मेरे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग को भेजा ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, और देखिए ना, मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बहू, इस तरह की तुझसे कोई मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, आपका तो हक है मुझसे उम्मीद रखने का। मैं आपके लाडले भतीजे खचेड़ू की बीवी हूँ ना, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। माफ कीजिएगा भाभी जी, चाचा जी के प्रति इतना सम्मान हमने पहले कभी नहीं देखा। कहना क्या चाहते हैं आप तिवारी जी? नहीं, हमारा मतलब है कि आपने कभी चाचा जी को इतना महत्व नहीं दिया ना। कैसी बकवास कर रहे हैं, हाउ कुड इवन से कि मैं मेरे चाचा जी को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। नहीं, वो आप ग्रूमिंग क्लासेस में बिजी रहती है ना भाभी जी, तो इस संदर्भ में हमने कहा। हाँ हाँ नीता जी, कहा होता है ना कि कभी कभी इंसान अपने काम। तुम लोग मुझे मेरे ही घर में किडनैप करके लाए हो। एक मिनट रुको, कचाड़ो जी। चाचा जी, क्या तू? रुको भी जी। चाचा जी, क्या तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया? जी चाचा जी। यार मेरे ही घर वालों ने मुझे किडनैप कर लिया। जी चाचा जी। ये दिन देखने से पहले मैं लंदन क्यों नहीं चला गया? जी चाचा जी। सॉरी चाचा जी। चाचा जी, एक्चुअली क्या है कि शांत हो जाइए आप, अनुना कुछ आपसे कहना चाहती है। स्पीक अप बेबी। चाचा जी, आप विभू को कुछ मत बोलिए, इसने जो किया वो मेरे कहने पे किया है। लेकिन ये सब करने के लिए तूने कहा क्यों? चाचा जी, मुझे बहुत बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने आपको तिवारी जी के यहाँ भेज दिया। मैं इतना रोई, इतना रोई। कब रोई? चाची बहुत रोई, बहुत रोई। मैं इतना रोई, इतना रोई कि एक बुजुर्ग जिन्हें भगवान ने हमारे घर भेजा, हमें उनकी कोई कदर नहीं। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आपको तिवारी जी के यहाँ भेज दिया, लेकिन अब इस गलती का प्रायश्चित मैं आपके चरणों में बैठकर
आपकी अटूट सेवा करके करूंगी चाचा जी. Wow, wow. You find some really fine, interesting words here. Wow. ये अचानक मेरी सेवा करने का तेरे अंदर ये जो जो जज्बा उत्पन्न हुआ है, जो भाव आ रहे हैं, ये क्यों? जहां तक मैं तुझे जानता हूं ना, तू ऐसी तो नहीं है कि किसी के सामने ऐसे गड़गड़ाए. चाचा जी, मैं किसी ऐरे गहरे के सामने थोड़े ना गिड़गिड़ा रही हूँ. मैं तो अपने पिता तुल्य चचिया ससुर से विनती कर रही हूँ कि वो मेरी सेवा को ग्रहण करे. एक मिनट चाचा, आपका फोन आ रहा है. आ रहा है. लंदन से फोन है. किसका? एडवोकेट का. केविन पीटरसन. केविन, केविन, प्लीज प्लीज टेक हिज कॉल. एक मिनट रुक जाओ. हेलो, फोन. ओ माय गॉड. चाची तय बोल गई क्या? होते हैं कुछ बेवकूफ, ऐसे भी होते हैं. एक्सक्यूज मी चाचा जी, वो बेवकूफ नहीं है. और वैसे भी आप तो उससे मिले भी नहीं हो. हाउ कैन यू जज कि वो इंटेलिजेंट है या बेवकूफ है? हाँ, उसका एक शौक है कि वो खाने का ना बहुत शौकीन है. इसीलिए मैं विभू को कह रही हूँ कि कुछ अच्छा सा खाना बनाए. हाँ तो ठीक है, मैं आलू मटर बना दूंगा और पनीर के कोफ्ते बनवा दूंगा. सिर्फ आलू मटर और पनीर के कोफ्ते से कुछ नहीं होगा. रुको, मैंने लिस्ट बनाया था. वेट, हियर इज द लिस्ट. स्टार्टर्स में देखो, पनीर पकौड़े, चिली पनीर, वेज हरा भरा, वेज हरियाली क्रीम पटेटो, गाजर के कोफ्ते. यार ये क्या गाजर दे रही हो तुम? गाजर नहीं, मेन्यू दे रही हूँ मैं. सुनो, और मूंग दाल के भीगे बड़े, उड़द दाल के पकौड़े, प्याज और चीज के पकौड़े. स्टार्टर्स में बस इतना ही. बस इतना ही? मैं तो कह रहा हूँ 8-10 स्टार्टर्स के कुछ और भी वैरायटी बना. बड़ा इसमें बड़ा है ना. मैं भी सोच रही. अच्छा बाद में देखते हैं, पहले मेन कोर्स में आते हैं. पनीर कानपुर वाला, मटर पनीर, घुइया के कोफ्ते विद ग्रेवी. तुम बहुत अच्छा बनाते हो. हाँ, अच्छा सा बनाना. बूंदी का रायता कर देना साथ में. और वेज बिरयानी, वेज मशरूम तवा पुलाव, वेज हांडी और दम आलू कश्मीरी, दो प्याजा, खड़ी भिंडी, बैठी भिंडी और गोभी का कोरमा. तुम आलू भूल गई, लंबे आलू जो थे वो भूल गई. हाँ, वो तुम बहुत अच्छा बनाते हो, वो भी बनाना. लेकिन सुनो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, ये तो सब कुछ बना लूंगा. आई कांट डू इट. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेवकूफ वो इतना सब कुछ खा जाएगा. चाचा जी, वो एक निवाला भी खाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आज रात जब वो डिनर पे आए ना, तो वो खाना खा के इतना खुश हो जाना चाहिए और इतना टेस्टी खाना बनना चाहिए ना कि बस वो हाँ कर दे. बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I'm sorry. I'm extremely sorry. मैं इतना खाना एक साथ अकेले नहीं बना सकता. I'm sorry. तुम अकेले कहाँ हो? Are you gonna help me? चाचा जी है ना. है ना चाचा जी, आप ना विभू की हेल्प कर दीजिएगा. वैसे भी आप खाली बैठे बैठे क्या करते हैं? गॉसिप से तो करते रहते हैं. तो आप इसकी हेल्प कर देना और हमारी भी हेल्प हो जाएगी. ठीक है दिया, इतना सारा डिशेस बनाए हैं. भाभी जो डिशेस होता है ऐसे ही पकड़े हैं. बात है भाभी जी, ये सब खाना जो है मैंने अकेले नहीं बनाया है, मैंने बनाया खाना. अरे इसने सिर्फ मुझे असिस्ट किया है बस. एक्सक्यूज मी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर किसने काटा है? बाय द वे, सारे मसाले किसने डाले हैं? नहीं, ये बात सच है कि इसका भी इसमें हाथ है, लेकिन सिर्फ मसालों में थोड़ा बहुत हाथ है इसका. खाना देखने में बहुत ही अजीज लग रहा है. और अजीज तो आप है हमारी. क्या बोले बाबा जी, लजीज कहना चाह रही हैं आप? हाँ सही पकड़े हैं. अरे बहू, अगर तू खाएगी ना खाना तो मैं बता रहा हूँ उंगलियां चाटती रह जाएगी. ऐसी चाट बनाइए, ऐसी चाट. चाचा जी, आप इतने दावे कर रहे हैं, तब तो हम जरूर ही खाएंगे. हाँ भाभी, अपने हाथ से खिलाऊंगा आपको. बोले? भाभी जी, मैं और चाचा जी मिलके अपने हाथ से खिलाएंगे आपको. हाँ, हाँ, जरूर. विभू, खाना गर्म हो गया. मिसेज अनिता मिश्रा जी, मजा आ गया. इतना टेस्टी खाना मैंने पूरी लाइफ में नहीं खाया. आपके घर का खाना खाकर मैं तो पागल हो गया. गॉड, थैंक यू सो मच. वेल, यू नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
me. Excuse me. ये खाना बनाने में मेरा और कचड़ू दोनों का हाथ है. दोनों ने मिलके खाना बनाया है ये. Yeah, yeah. I was just joking. My husband and my uncle, they are very good cooks. कभी आइए हमारे घर पे. Of course. पार्टी में बुलाते हैं आपको. अरे वाह, thank you. खाना बनाने के लिए. What? Excuse me. We are not professional cooks. हम लोग घर का खाना बनाते हैं. बाहर का नहीं बनाते सर. I'm sorry. अगर हाँ कर दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा तुम्हारा. बुला नहीं लेंगे. और अगर बुला भी लिया तो चार पैसे लेकर घर ही आओगे ना. एनी टाइम मिस्टर इन्वेस्टर. आपको जब भी जरूरत पड़े, माई हस्बैंड एंड माई अंकल विल कम एट योर सर्विस. थैंक यू सो मच मिसेज अनिता मिश्रा जी. वैसे क्या वैरायटी दी है ना खाने में. आई बिलीव मी, मजा आ गया. इतनी सारी वैरायटीज का टेस्ट लेकर मेरा तो इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है. हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि यू नो जो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस है ना, मैं ना उसमें बहुत सारे चेंजेस लाना चाहती हूँ. यू नो बहुत सारी नई फैकल्टीज ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मेडिटेशन, योगा, कराटे, किक बॉक्सिंग, स्टिचिंग, यू नो क्राफ्टिंग, बहुत सारी. जस्ट बिकॉज यू नो आई लव टू इवॉल्व विद टाइम. चेंजेस पसंद है मुझे, बदलाव. Okay. I'm very much impressed with Bhaviji's point of view, you know. Because I also believe the same. इसलिए हमने समय रहते अपने कच्चे बनियान के बिजनेस में काफी चेंजेस किए हैं. Interesting, Mr. Tiwari. क्या चेंजेस किए आपने? You know, first we used Nada. Nada. And then we introduced plastic bands. Elastic bands. Yeah, elastic bands. Hi, Diya, little ki bhaiya. Congratulations. Congratulations, hota hai pagli. Aisa hi pakde hain. Kya baat? अरे यार एक मिनट, तू बुला दे मुझे जरा. चाच, बोटी बोटी दर्द कर रही है. भाई गॉड, यार तुझे बताया, पूरी बेलते बेलते ना ये पूरे कंधे उतर गए. अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बेल दे. मैं आपकी मसाज कर दूंगा. ठीक है, लेकिन पहले आपको मेरी मसाज करनी होगी. नहीं नहीं नहीं, पहले तू मेरी करे. पहले आपको मेरी मसाज करनी होगी. अरे यार तू बेकार की बात मत कर यार. नो चार्ज, नो देखो सिनेरियो. नो नो, आपको पहले मैं. नो आपको यार. नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई. मैं पूछती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बिना बताए तिवारी जी को डिनर पे इनवाइट कैसे किया? मुझे लगा कि तुम तो तिवारी जी को बुलाओगी. क्यों बुलाऊंगी मैं उन्हें? मैंने उन्हें साफ साफ मना किया हुआ था. मुझे नहीं पता था यार, मैंने सिर्फ भाभी जी को इनवाइट किया यार. तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? तुम किसी भी शादीशुदा औरत को अपने घर डिनर पे इनवाइट करोगे तो वो अकेली क्यों आएगी? वो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ ही आएगी ना. अच्छा बाबा, गलती हो गई, मैंने भाभी जी को बुलाया. आई एम सॉरी. तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ तुम्हें आइडिया भी है? वो तिवारी जी मेरा इन्वेस्टर छीन के ले गए. कमाल है, हमारा खाना कूद कूद के चटकारे ले लेके खा रहा था, सर तिवारी जी की गोदे बैठ के निकल लिया. इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम और चाचा जी हैं. अरे तू मुझे कब इस वाला बैठ रही है? आप भी तो मना कर सकते थे ना. तो मैंने इनवाइट किया था क्या उसको? तो क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा इन्वेस्टर इतना कूद कूद के चटकारे ले लेके हमारा खाना खा रहा था और तुम्हारे मुंह से हमारे लिए एक तारीफ का लफ्ज नहीं निकला, बल्कि तुम तिवारी जी को लेकर डांट रही हो. डांटू नहीं तो और क्या करूं? वो तिवारी जी मेरा इन्वेस्टर लेके चले गए. देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर तुम्हारा कल को आया और बोले कि मुझे गुहिया के पराठे खाने, और जैसे ही बोले तुम अपना वो इन्वेस्टमेंट प्लान रख देना सामने उसके. गेम डन. क्या बोलते चाच? मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन एक बात सही कही है तुमने.
चाचा जी ने खाना बहुत लजीज बनाया था। एक बात बताइए चाचा जी, आपने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया, कहाँ से सीखा? चाचा, बेमौसम की बारिश की तरह रोइए मत प्लीज। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या बोलिए ना। क्या हुआ चाचा जी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? अरे भाई, सौंठ तो चाट की जान होती है, सौंठ तो डालेंगे ही, बिकॉज सौंठ इज अ टेस्ट एनहांसर। लेकिन भैया मैं चाट नहीं खाऊंगा, मैं सूखी सौंठ खाऊंगा, क्योंकि सूखी सौंठ खाने के बाद पेट में जो जलन मचती है उसको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ भैया, आई लाइक इट। चुप रही दो मिनट के लिए जरा। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि अनु ने अपने बारे में गुणगान कर लिया, लेकिन मेरे चाचा जी के बारे में बताना भूल गए। एनीवे, ये जो आप मिश्रा चाट भंडार देख रहे हैं ना, देखो, रोड साइड फालतू फालतू चाट भंडार नहीं है, ये हमारी खानदानी लेगेसी है, इट्स आवर लेगेसी, यू नो, और इस लेगेसी को दोबारा से रिवैम्प किया है, रिवाइव किया है हमारे चितकबरे चाचा ने। चाचा जी प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। वेल डन डीडी, वेल डन। माय गॉड, जागो मतलब जा बाबू की, जा चाट में लेग पीस भी हैंगे। हाँ यार, लेग वाली चाट। ये तो एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट होगा, चाट के अंदर लेग पीस। ये खाऊंगा की बेटा, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे दो लेग पीस दूंगा, समझे? हाँ, अच्छा भैया सुनिए, ये जो आप चाट बनाएंगे, तो इस चाट में जो लाल मिर्चियों का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो लाल मिर्चियाँ राजस्थान की मिर्चें होंगी? क्योंकि ऐसा है ना भैया कि ये जो राजस्थान की मिर्चें होती है ना, इसकी बात ही अलग होती है भैया। यार दो मिनट के लिए चुप हो जाइए ना यार, फॉर गॉड सेक्स। ओके ओके भैया, ओके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी डिशेस, खास तौर से हमारी चाट पसंद आएगी, एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। भैया सुनिए ना, मुंह में पानी आ रहा है भैया, दो तीन प्लेटें लगा दीजिए ना। सक्सेना जी, क्यों इतने उतावले हुए जा रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। असल में बात यह है ना भाई, कि मेरा बहुत खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। मुबारक हो सक्सेना जी, आप माँ बनने वाले हैं। आई लाइक इट। बस पैसे वैसे हैं कि नहीं, या उधार नहीं चलता है? अरे भैया, मेरी जेब में बहुत पैसे हैं, लेकिन आप चाट बनाइए ना भैया, इतनी खट्टी चाट बनाइए, इतनी खट्टी चाट बनाइए कि उस चाट को खाकर मैं खट्टी खट्टी हो जाऊं। खट्टी तो नहीं, निखट्टू कहीं के। I am newly pregnant, but I like it. अबे लौंडो, यार वो औरत काफी चाट खा के गई, काफी पत्ते उठाए उसने आज। काफी करके गई है वो। लुआ। यार आज तो पूरे दिन होश ही ना रहा हो यार। सही कह रही है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया, जैसे लोगों को बेसब्री से इंतजार था मिश्रा चाट भंडार के खुलने का। साली देखे तूने कितनी भीड़ थी शाम तक, गुर्दे मुंह को आ गया यार। मुंह को तो लोगो, क्या हम मैनेज नहीं कर पाएंगे? अबे होए, खानदानी लोग हैं, ऐसी सिचुएशन ना जाने कितनी बार आई हमारे सामने, लेकिन ऐसे मैनेज करके ले गए हम। अबे होए, बात करेगा यार, ये नोटी गिनता रहेगा तू? चाचा, गिनती बुलवा दी आपने। ऐसे कौन से करोड़ों रुपए तूने कमा लिए एक दिन में? चाच, वो टाइम भी आएगा कि हम एक दिन में करोड़ों कमाएंगे। हाँ ये तो बता यार, कितनी हुई कमाई? आप सुनेंगे ना तोते उड़ जाएंगे आपके। आउटस्टैंडिंग हुई है भैया। आउटस्टैंडिंग है तो ये बताओ ना कि पूरे दिन की कमाई कितनी भाई? 25,000। 25K। देखा 25,000। भैया चूस में, भैया भैया वो आपने कही थी ना कि वो जब हमारो धंधो बढ़ जाओगे, धंधो चल जाओगे, तो बामे से हमारो कट मिल जाओगे। तो देखो ट्रेन चली नहीं, जेब कतरे पहले आ गए। 100-100 रुपए दे दिहाड़ी गए, भगा सा लोगो यहाँ से। लो बेटा, ये लो 100 रुपए तुम, ये 50 के दो, 100 रुपए तुम। Wow! Oh my God! Just look at both of you.
ये जो हमको देख रही हो ना, ये सारी कृपा मिश्रा चाट भंडार की है। अमेजिंग। मतलब तुम्हारी जॉब लग गई है तो कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? महीने की 25,000। महीने की 25,000? एक ही या दोनों की? अरे ये तो टिलुआ की 25,000 है, मेरी 25,000 अलग है रही है, दोनों को 25-25 मतलब 50,000। या नॉट बैड। और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है तुम लोगों को? ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है 500 रुपये पर डे। और इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी, बाकी के दिनों में टोटल 8 घंटे की जॉब। वीकेंड पे अगर आप अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ले जाना चाहते हो तो कंपनी उसका पूरा खर्चा देगी। रूसे डार्लिंग, दिस इज अनबिलीवेबल, ओह माय गॉड। अच्छा तो मैं अब अपने जीजू से बात करूं? लेकिन अभी मिश्रा चाट भंडार में कोई वैकेंसी खाली ना है, जैसे ही डिलीवरी बॉय की जॉब निकलती है हम तुम्हें बता देंगे। जा ठिलुआ, कितनी सेम वाली बात है रही है यार, शर्म वाली बात है रही है कि कमिश्नर वाली जॉब में आजकल पैसों ना रहो यार। वेरी शेम गाइस, एक मिनट, मेरे जीजू यानी कि कमिश्नर अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर चाट के ठेले पर डिलीवरी बॉय बनेंगे? Are you in your senses? Oh, I'm sorry, Rusa Jan. I'm sorry. वो क्या है कि आपकी बातों से लगा कि कमिश्नर साहब हमारे साथ मतलब you know करना चाहते हैं काम वाम। You know. Actually मैं हमारी शादी की बात कर रही थी। शादी की बात कर। Hello नीता जी। Hi अंगूरी जी। Hi दिया। क्या हुआ? आप हमको कुछ ऐसी चिड़ी हुई सी लग रही हैं। अरे अंकुर जी, ऐसी कोई राह चलता फालतू आदमी मिल गया था। हाँ आजकल सच्ची बहुत ही फालतू लोग घूमते रहते हैं वहाँ, हमको भी आकर बहुत बियर करते हैं। आप बोर कहना चाह रही हैं? हाँ सही पकड़े हैं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ अंगूरी जी, एक्चुअली घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी मैं, तो सोचा कि शॉपिंग कर लो जाके। दिया, आप बोर होती हैं तो शॉपिंग जाती हैं। और देखिए हम बोर होते हैं तो घर का काम करते हैं। रियली? मैं तो अपने घर के कामों के लिए सर्वेंट्स रखने वाली हूँ, यू नो बजट की कोई चिंता है नहीं। वैसे आपकी नजर में कोई नौकर वाकर होगा ना तो बताइएगा। हाँ ठीक बा। हाँ वैसे भी आजकल भरभूति जी काम पर जा रहे हैं ना। तो काम पर नहीं जा रहा है अंगूरी जी, वो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा है जिसमें चाचा जी भी उसका साथ दे रहे हैं। वैसे यू नो हमारा पहले दिन का बिजनेस कितने का हुआ? हाँ कितने का? 25,000। 25,000 का। और मैं फिलहाल उन्हीं 25,000 की शॉपिंग करने जा रही हूँ। अंगूरी जी आप भी आइएगा शॉपिंग करने अगर तिवारी जी की जेब अलाउ करे तो। अरे रिक्शा, रिक्शा। रामनारायण मार्केट। वो कभी भी किसी भी टाइम रेट मार सकते हैं। तुम रेट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। तो का है अम्मा जी, अगर हम 25,000 का शॉपिंग करेंगे तो का आयकर विभाग वालों को शकना ही हो जाएगा लड्डू के भैया पर? आयकर विभाग वाले जो है वो आएंगे और जितना माल मलिदा है वो सब लेके जाएंगे, और तुम और लड्डू के भैया जो है वो खाली तिजोरी का हिला के करते रहना पापा भैया। हाय दिया। हाँ देखो बहुरिया, अगर जो है तुम वो आयकर विभाग वालों के डर के मारे शॉपिंग नहीं करोगी तो भी वो लोग तुम्हारा पैसा लेके जाएंगे, और पैसा नहीं रहेगा तो कैसे शॉपिंग करोगी? दिया ये बात भी ठीक बा। हाँ इसलिए हमारा बात ध्यान से सुनो, तिजोरी में जितना पैसा है वो सब ले जाके खर्च डालो। हाँ जब तिजोरी पूरा खाली हो जाएगा तो आयकर विभाग वाले को क्या मिलेगा? घुइया है। ठीक बा अम्मा जी, हम जाकर शॉपिंग करते हैं। थैंक यू, अपन नाम कर रहे हैं आपको। हाँ खुश रहो। अबे छील यार, हाथ चला तेजी से। भाई साहब। हाँ जी। ऑर्डर रेडी है क्या? क्या ऑर्डर है आपका? दही बल्ले और छोले भटूरे। भाई टेबल नंबर 1 का दही बल्ले छोले भटूरे रेडी है। हाँ जी, हाँ जी। ये रहा आपका पार्सल, पेस निकालो। ठीक है ये लो। हाँ जी
हेलो मिश्रा चाट भंडार, हाँ जी सौंठ के पकौड़े कितने? 7 प्लेट चाच, 7 प्लेट सौंठ के पकौड़े लगा दो। सौंठ के पकौड़े खत्म हो गए भाई, सौंठ के पकौड़े खत्म हो गए भाई। कैसे खत्म हो गए यार? कसम खा के कह रही हूँ भैये, आजकल सौंठ के पकौड़ों की बड़ी डिमांड हो रही है। पूरे दिन में से है ना 30% ऑर्डर तो सिर्फ सौंठ के पकौड़ों के है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सौंठ के पकौड़े हिट हो गए, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। यूं समझ लो विभूति सेठ की अपनी निकल पड़ी। हेलो मिश्रा चाट भंडार, हाँ जी बोलिए, ऑर्डर बोलिए। हाय हाय रूसा, हाउ आर यू? फाइन फाइन गाइस, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही ना, मुंह में पानी आ गया है, मुझे भूख लग रही है। एक काम करो, जल्दी से हाथ साफ करके यहाँ 5 प्लेट गोलगप्पे, 5 प्लेट आवारा चाप और 2 प्लेट आलू टिक्की पैक कर देना। 550 हो गए जी आपके। आप विभूति सेठ, रूसा से पैसे मत लियो, अपने ताल्लुक आते हैं। अबे इससे पैसे नहीं लगे तो क्या इसके चीजा से पैसे लेंगे? एक चूसी भैया, वो गोलगप्पे के पैसे है ना, हमारी दिहाड़ी में से काट लाइयो। 5 दिन की दिहाड़ी गई तेरी। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग ना ये सब पैक करके चटनी एक्स्ट्रा याद से घर भिजवा देना। ओके थैंक यू सो वेरी मच, बाय 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 रोसा, बाय। 5 दिन की कैसे कट गए? हेलो मिश्रा चाट भंडार, हाँ जी हो जाएंगी कचौड़ियाँ? हो जाएंगी जी, कितनी? 150 कचौड़ी चार्ज, 150 कचौड़ियाँ लगवा दो। हाँ हो जाएंगी, हो जाएंगे, जल्दी लगाओ। हाँ जी, हाय बेबू, अपना एड्रेस बोलिए जी। B1401402 या कचौड़ी ऑर्डर है। बेबू हेलो, बेबू हेलो, हाँ जी मिश्रा चाट भंडार, हाँ जी आपका बिल हुआ जी 1500, 1500 हाँ जी। ए बेटा ये ऑर्डर ले ले। विभू, मैं कब से तुम्हें हाय हेलो कर रही हूँ, यार काम छोड़ दूँ? हाँ देख तो रही हो, काम तो कर रहा हूँ यार। अरे तो रिस्पॉन्ड तो कर ही सकती हो ना। क्या मतलब रिस्पॉन्स कैसे करूँगी, मतलब तुम आई हो तो मैं तुम्हारी आवभगत ना लग जाऊँ सब कुछ छोड़ के? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड बनता है, मैं आके बैठी हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ, एटलीस्ट बोलो तो कुछ। हेलो हाय हेलो मिस्टर चाट भंडार, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सुनो ना, हाँ जी ठीक है। तू क्यों मेरे घर में खोटी कर रही है, सुबह सुबह है, तू जा यार अभी घर जा। एक मिनट, ये मेरी भी दुकान है ना, हाँ कितने का गल्ला हुआ है आज बेबू? हेलो तिवारी जी, आपने हमसे कुछ कहा भाभी जी? यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई और नजर आ रहा है? नहीं, आ तो नहीं रहा। तो जाहिर है ना मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। वो क्या है ना भाभी जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आप जैसी शख्सियत हमसे बात करे। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, मैं किसी की हैसियत वैसियत नहीं देखती हूँ। वैसे ये कौन सा फोन है? ये तो भाभी जी अपनी वो देसी कंपनी है, मोटोरोला। This is disgusting, तिवारी जी। दुनिया आजकल पूरा वाई फोन पे पहुंच गई है और आप ये मोटोरोला को गोद में लटकाए हुए घूम रहे हैं। भाभी जी दरअसल वो तिवारी जी और सच माइजो, इतने बड़े बिजनेसमैन बनते हैं जैसे लगता है कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ आप कॉफी शेयर करते हैं, और फोन ऐसा 2 कौड़ी का यूज कर रहे हैं, कोई रिक्शे वाला भी यूज करने से पहले शर्मा जाए। कितने का है ये फोन? ये रहने दीजिए भाभी जी। नहीं 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 नहीं, आपको आपकी अम्मा जी की कसम, बताइए कितने का है ये फोन? वो क्या भाभी जी, हमारे किसी आदमी ने 3000 रुपए देने थे, जो समय पर नहीं चुका पाया तो हमने ये मोबाइल उसे छीन लिया। शेम ऑन यू तिवारी जी। ला ला ला। क्या बात, आज बहुत चहक रही हो, क्या बात है? चहक तो रहे हैं, कहा है कि आपके लिए एक ठो सरप्राइज है। अच्छा हमारे लिए का सरप्राइज है? बता दे का। बताओ, आंखें बंद कीजिए अपना। हेलो अब आंखें खोलिए। ठीक है धत, आपको नहीं पता का ये बाय फोन
आईफोन 15 ऐसे ही पकड़े हैं। ये तुम खरीद के लेके आई? आ तो का इतना महंगा फोन मुफ्त में मिलता है का? मेरी इस घर में हैसियत एक नौकर की है। I'm a glorified servant in this house. तुझे आज पता लग रहा है? मेरी भी हैसियत इस घर में एक नौकर जैसी है। अबे ओए, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? रोए कैसे? भैया, आज आपकी एनिवर्सरी है, हैं? बाहर जाके हम खा पी तो सकते ना है? खुल के तो सकते कम से कम? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ना मैं खा रहा हूँ, ना पी रहा हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ, यहाँ झक मरा रहा हूँ किचन में। For God's sakes. अभी तो झक मरा रहा हूँ किचन में। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, ये बता दे कि हमारे खानदान में लोग पहले हलवाई थे। हलवाई? विभू, विभू, क्या हुआ? What happened? विभू, what is this? बाहर सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं स्टार्टर्स का, तो क्या कर रहे हो स्लो स्लो? स्टार्टर्स बन रहे हैं या टाइम लगता है? जल्दी करो चाचा जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। यू आर वेरी स्लो, प्लीज जरा स्पीड अप। मैं कोई मशीन नहीं हूं बहू। तो डाला था आपने मशीन में तेल था या क्या था? एक मिनट, चाचा जी ने पी है क्या? जी चाचा जी प्लीज। बहू अगर दो दो घूंट उड़ेल ली अगर गले में तो क्या फर्क पड़ता है उससे? आज मेरे भतीजे की शादी की सालगिरह है और तूने तो हमें पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया। हम तो यहाँ किचन में फंसे हुए हैं। गॉड चाचा जी, सारे मेहमानों के जाने के बाद आप इंजॉय करने वाले हैं, इतना क्या उतावले हुए जा रहे हैं? और वैसे भी उनके बाद जो भी बचा खुचा रहेगा वो आप ही लोग खाने पीने वाले हैं ना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। गॉड, फूड इंस्पेक्टर आए सर। हेलो सर, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ सर आपकी? फिलहाल तो आप इस ठेले का लाइसेंस दिखा दीजिए, इससे बड़ी सेवा आप कर भी नहीं पाएंगे। लाइसेंस वाइसेंस नहीं है हमारे पास ठेले का। अच्छा नहीं है? ना। तो फूड कॉर्पोरेशन का अप्रूवल लेटर तो होगा? फूड कॉर्पोरेशन का अप्रूवल लेटर हमने कभी लिया था क्या? कोई अप्रूवल नहीं, हमने तो ऐसे ही ठेला लगा लिया। तो फिर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? चाट बेच रहे हैं। चलिए जेल में चल के चाट बिकवाता हूँ आपसे। मॉमी, तू मॉमी मॉमी मत कर, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, बिकना चाह रहा है खरीद ले। कितने बिकेंगे? 50 करोड़ रुपए में। क्या हैसियत है तो खरीद के दिखाओ। और मैंने अपने आप से वादा किया है कि 50 करोड़ रुपए में ही बिकूंगा, वरना कोई माई का लाल मुझे खरीद नहीं सकता। फूड वाले बाबा, हम गरीबों के पेट पे लात मत मारो, अभी नया नया धंधा शुरू किया हमने। अंकल, बड़ी मुश्किल से तो काम लगो है हमारो। अबे ओ डबल एक्सेल, ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है मुझे, समझा? अभी कभी रायता समेटो वरना पुलिस को अभी इसी वक्त बुलाऊंगा। वाइंड अप करो, वाइंड अप करो, चलो वाइंड अप। अबे चल चल चल, अरे सेठ विभूति सेठ हमारी दाढ़ी। अबे ले जा अपनी गाड़ी। अबे गाड़ी छोड़, चल भाग। तिवारी जी, तिवारी जी, I'm really sorry. भाभी जी, हमारी इतनी औकात कहाँ कि आप हमें सॉरी कहें? नहीं तिवारी जी, आप ऐसी बातें करके मुझे और शर्मिंदा नहीं कीजिए। शर्मिंदा तो हम अपने आप से हैं भाभी जी, हमने आपके घर के सामने अपना घर लिया जबकि हमारी औकात नहीं थी। तिवारी जी, आप इस तरह की बातें मत कीजिए, ऐसी बातें करके आप मुझे और दुखी कर रहे हैं। भाभी जी, आप रो 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 रही हैं? नहीं नहीं, आप कह दीजिए कि ये आंसू भी झूठे हैं। नहीं भाभी जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आंसू झूठे नहीं है। वो पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन ये आंसू झूठे नहीं हो सकते। भाभी जी आंसू सच्चे हैं, पूर्णतः सच्चे हैं भाभी जी।
तिवारी जी, आई एम रियली हर्ट. मैं ना अपने किए पे बहुत दुखी हूँ. मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है और इस बात का मुझे बहुत बहुत पश्चाताप हो रहा है. I'm sorry. वाकई पश्चाताप हो रहा है भाभी जी? बहुत पश्चाताप हो रहा है तिवारी जी. आप क्यों रो रहे हैं तिवारी जी? भाभी जी, वो इसलिए कि यही पश्चाताप अगर आपने कुछ समय पहले किया होता तो हम फूड इंस्पेक्टर को आपके चाट भंडार के विषय में ना बताते और ना ही उस चाट भंडार को बंद करवाते. What? हाँ भाभी जी, माफी चाहेंगे भाभी. दरअसल हम चाहते थे कि आपके और अंगूरी के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो रुक जाए, क्योंकि जहां एक और अंगूरी हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, वहां आप हमें सरेआम ढोकला जलील कर रही थी.